हेलो दोस्तों, आज हम किससे बात करने वाले टिकटॉक के न्यू ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसे कि दोस्तों आप इस टाइप के वीडियो आप देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं और व्यूज की भी बात किया जाए तो 3 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 मास्टर एप्लीकेशन को और एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल पे होम स्क्रीन पे, वहाँ पर मैं बताता हूँ इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव करना है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पास जो भी एक्स्ट्रा था वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है, वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो आपको शूट कर लेना है। इसके बाद वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। यहाँ पर मैं 0.8 सेकेंड ऐसे रहने दिया हूँ। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो के स्पीड टू प्ले हिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 0.5 कर देता हूँ। इस तरह से आपको वीडियो को स्लो मोशन कर लेना है। जब आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में शूट करना है। इसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद एक बार फिर से हमें बैक कर लेना है, फिर से हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 वाला रेशियो को सेलेक्ट करना है, मीडिया पे आना है, जो वीडियो हमें बैकग्राउंड में लगाना है तो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने को जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किए थे, एक्सपोर्ट किए गए वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है और इस वीडियो को वॉल्यूम को साइलेंट कर देना है। यदि आप ग्रीन स्क्रीन में वीडियो बना तो सिंपल आपको क्रोमा की इनेबल कर देना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन आ जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही वीडियो आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट नहीं किया था, इसलिए आपको ब्लेंडिंग पे आना है और यहाँ पे मल्टीप्ले पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको जूम करके इसके बाद एक्स्ट्रा बैकग्राउंड को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो हमारा लगभग यहाँ पर तैयार हो चुका है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड में हमें म्यूजिक चाहिए तो मैंने एक वीडियो का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइडियो आ चुका है। वीडियो को लेकर क्लिक करना है और इसे आपको डिलीट कर देना है। वीडियो हमारा यहाँ पर तैयार हो गया, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी आपको ऐड हो चुका है। इस तरह की वीडियो आप बनाने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में शूट करना होगा, तभी आप प्रोफेशनल वीडियो है इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। वीडियो हमारा तैयार हो चुका है, डन करना है, वीडियो पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। क्योंकि और आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।